दोस्तों हाय हेलो गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस नए व्लॉग पे। फिर से मैं वहीं आया हूं दोस्तों जहां पे हम लोगों का काम चल रहा है वाइट वॉशिंग और पेंटिंग का। तो फिलहाल दोस्तों रोज़ मैं क्या दिखाऊंगा आप लोगों को, बस वही काम है। तो मैं सिर्फ यहां लड़कों को देखने के लिए आता हूं कि कितना काम हुआ और कहां कहां करना है और क्या क्या करना है, बस यही सब काम है दोस्तों। और फिलहाल ये देखो पीछे का जो सीमेंट वाला वर्क था वो हो रहा है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, उस साइड अभी कर रहा है। तो फिलहाल दोस्तों मैं लड़कों से मिलता हूँ, उसके बाद यहाँ से चलेंगे। वैसे काफ़ी टाइम लग जा रहा है दोस्तों यहाँ पे, मुझे क्या पता पैसों की बचत होगी कि नहीं होगी, कोई पता नहीं है। वैसे ऊपर में सीमेंट का काम हो रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो फाइनली दोस्तों यहाँ से हम निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर रहना नहीं है आज, मुझे हो सकता है तो रांची भी जा सकता हूँ मैं। तो चलिए फिलहाल चलते हैं, अभी वैसे 11:30 बज रहे हैं तो यहाँ से हम लोग निकल लेते हैं। और मैंने यहाँ पे बाइक बाहर पे ही खड़ा कर रखा था और ये मेरा लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो चलिए सीधे चलते हैं घर और सीधे आपसे घर पे मिलेंगे। वैसे देखते हैं, रांची जाना होगा तो रांची जाके आएंगे और नहीं तो फिर अपना वही पेंटिंग वाला वर्क है उसी को करेंगे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ के पुल का तो बुरा हाल हो रखा है और ये देखिए पूरा तोड़ फोड़ के और नया से उसे रिपेयरिंग कर रहे हैं या फिर नया से बनाने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत घाटा लग गया होगा जिसने भी इस पुल का टेंडर लिया है। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया हूं बसिया और मैं उस घर पे जाके आता हूं जहां पे उस दिन मैंने पत्थर पे डिजाइन बनाया था और देखते हैं उस पर खुदाई वगैरह कर रहे हैं या नहीं। ये देखो यहां पर नया नया नली उली बना हुआ है तो दिक्कत हो रहा है यहां पर थोड़ा सा बाइक चलाना। तो यही घर है वो दोस्तों जहाँ पे पत्थर रखा हुआ है। तो ये देखिए, तो यहाँ का काम तो दोस्तों नहीं हुआ है, कहने का मतलब जो गड्ढा करना था वो नहीं हुआ है, तो शायद अभी करेगा। तो मैं थोड़ा सा देख लूँगा कि कैसा करता है, अगर वो जैसा लिखा हुआ है वैसा कर देगा तो काफ़ी शानदार लगेगा देखने में भी। और दोस्तों इसे मुझे पेंट करने के लिए अच्छे रुपए मिल रहे हैं, इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा सा आया हूँ, तो कुछ फ़ायदा हो रहा है इसीलिए दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों इसे कैसे ये गड्ढा करता है, मतलब ये राइटिंग पे जितना भी है उसमें वो गड्ढा करेगा। तो अभी मैंने बोल दिया है तो वो आ रहे हैं, तो देखते हैं, स्टार्टिंग में ही देखने में पता चल जाएगा कि कैसा ये करेगा। तो आने दे लेते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर से मैं आपको दिखाता हूं। तो ग्राइंडर मशीन से ही दोस्ती खोद रहे हैं, मुझे लगा था कोई अलग औजार होगा उसके लिए, कोई पतला सा पेन टाइप का होगा और उसी से खोल देगा, बट वो तो फिर भी दोस्तों अच्छा ही हो रहा है, कहने का मतलब वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अच्छा दिखने लगेगा। फिलहाल हम करेंगे अपना काम स्टार्ट, जो कि कल आपने देख ही रखा है पेंटिंग कितना हुआ है मेरा। तो फाइनली दोस्तों मैं आँखों से स्टार्ट कर रहा हूँ और आँखों में जितना वाइट पोर्शन है पहले मैं वाइट दे दूँगा, उसके बाद तो हल्का सा ग्रे भी देना है मुझे, ग्रे यानी कि ब्लैक कलर और वाइट कलर को मिक्स करके मैं बनाऊंगा, और उसके बाद दोस्तों पिंकिश कलर मतलब रेड कलर को हल्का सा वाइट डाल के मैं पिंक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं भले दूर से दिख नहीं रहा है बट ये मैंने पिंक कर दिया है। और दोस्तों फेस पे जितना भी डिटेलिंग वर्क है वो मैं कर रहा हूँ, जो कि कल मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वो सूखने के बाद ही दोस्तों किया जाता है, तो कल सूखा नहीं था और दोस्तों आज भी उतना अच्छे ढंग से सूखा नहीं है। और अभी दोस्तों आँखों में मैं डायरेक्ट ब्लैक का अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जो बंड से आना है वो कलर मैंने कल ही यूज़ कर लिया था, उसके ऊपर से डायरेक्ट मैं भी ब्लैक का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों आपको भी करना है, रेफरेंस के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको ऑब्जर्व कर लेना है
कहाँ कौन सा पेंट कहाँ पे लगना है, तो उसी तरह से आप भी पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्राउन कलर भी यूज़ कर रहा हूँ, बट ये दिख नहीं रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों आपको भी करना है, पेंटिंग को ऑब्जॉर्व करना है पहले, उसके बाद आपको पेंट करना है। तो और दोस्तों आँखों में जो हल्का हल्का मैं छोड़ते जा रहा हूँ, उसमें दोस्तों लास्ट में मैं ब्राउन कलर ऐड करूँगा, बट अभी नहीं, वो लास्ट में आपको फिनिशिंग करते वक्त मैं दिखाऊँगा। और बर्न्ड सियाना में दोस्तों मैंने ब्लैक ऐड करके ये नोज़ के नीचे मैं दे रहा हूँ। और अब दोस्तों सिंपली मैं ऑरेंज कलर को दे रहा हूँ, और उसमें हल्का सा मैंने रेड ऐड कर दिया है ताकि रियलिस्टिक लगे। अब वाइट को दूंगा दोस्तों, कहने का मतलब मैंने ऑरेंज में हल्का सा वाइट मिक्स कर दिया है ताकि वहाँ पे हाईलाइट दिखे। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ दोस्तों। तो अभी मैं दोस्तों ऑरेंज कलर का डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, और थोड़ा थोड़ा मैं रेड किनारे किनारे ऐड कर दे रहा हूँ, कहने का मतलब रेड से ब्लेंड कर दे रहा हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों आपको पेंटिंग को एब्जॉर्ब कर लेना है, और इसी तरह से आपको पेंट करना है। और यहाँ पे डार्क पार्ट पे मैं दोस्तों ब्राउन कलर का भी यूज़ कर रहा हूँ। तो अब दोस्तों होठों के ऊपर और नीचे साइड में हाईलाइट कर दूंगा ताकि देखने में रियलिस्टिक लगे। और अब होठ जो है काफ़ी अच्छा लगने लगा है, कहने का मतलब रियलिस्टिक लगने लगा है। अब दोस्तों डायरेक्ट बर्न्ड सियाना से मैं होठों के किनारे किनारे मतलब गालों पे मैं डिप कर दे रहा हूँ ताकि देखने में रियलिस्टिक लगे। अब दोस्तों बर्न्ड सियाना और ब्लैक मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, तो ये आपको दिख नहीं रहा है, बट इसमें बर्न्ड सियाना और ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों सारा पेंटिंग मैं कंप्लीट करूँगा, और सेम टेक्निक से दोस्तों मैंने ईयर को भी पेंट कर दिया है, और हाईलाइट मैं दे रहा हूँ। तो अब दोस्तों थोड़ा सा मैं बर्न्ड सियाना में रेड और ब्लैक को मैंने ऐड कर रखा है, और अभी मैं दे रहा हूँ थोड़ा सा ताकि ये डार्क लगे और फेस जो है पॉपअप हो जाए, कहने का मतलब हाईलाइट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है, और डार्क दे देने से कितना उठ गया है, कहने का मतलब चेहरा ऊपर आ गया है। तो इसी तरह से दोस्तों आपको भी करना है रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों डायरेक्ट हाथों पे आ जाते हैं, और यहाँ पर दोस्तों मैं वाइट और फेस का कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे हाईलाइट है वहाँ पर हल्का मैं वाइट कलर ऐड कर करके अप्लाई कर दे रहा हूँ। और दोस्तों लास्ट में मैं इसमें बर्न्ड सियाना भी ऐड करूँगा ताकि देखने में रियलिस्टिक लगे, और जहाँ पर हाईलाइट का ज़रूरत वहाँ पर मैं दोस्तों वाइट का यूज़ करूँगा। और देखिए आप कितना रियलिस्टिक लगने लगा है। और दोस्तों बर्न्ड सियाना में मैं हल्का ब्लैक भी ऐड करूँगा और रेड, ताकि लास्ट में जो फिनिशिंग है वो रियलिस्टिक लगे। इसी तरह से दोस्तों सारे हाथों को मैं कलर करूँगा, और ये सारे हाथों को कलर करने के लिए मैं वही यूज़ करूँगा, बर्न्ड सियाना वाइट और जो स्किन का कलर मैंने बना रखा है वो। तो वीडियो लास्ट तक देखना दोस्तों, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और इस पेंटिंग की अगली वीडियो ज़रूर देखना दोस्तों, मैं कल अपलोड कर दूँगा। तो फिलहाल अगर आप नए हों चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो वीडियो एंजॉय करो दोस्तों, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।